पलामू जिला मुख्यालय मेहंदी नगर की विडम्बना है कि नाली का काला पानी पीने के लिए आपूर्ति की जा रही है, जो नगर निगम एवं पीएचडी के निष्क्रिय पदाधिकारी का देन है। फेज टू पेयजल जलापूर्ति योजना के लिए श्रेय लूटने का होड़ मचाने वाले सांसद विधायक मेयर गंदा पानी पीने के लिए छोड़ दिए है। यह कहना है कि नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गुप्ता का है, जिन्होंने कहा कि एक तरफ झारखंड सरकार शुद्ध पेयजल जनता के बीच पहुंचाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, वहीं मेहंदी नगर नगर निगम और पीएचडी के लापरवाह पदाधिकारियों के निष्क्रियता के कारण पूरे शहर में पंप कल से नाले का पानी डायरेक्ट खींचकर सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में शहरवासी को जीवन और स्वास्थ्य का खतरा होने की संभावना है। पदाधिकारी की कार्यतालिका से सरकार की छवि खराब की जा रही है। ऐसे निकम्मा अधिकारी को पलामू से हटाना चाहिए। शहरवासियों के जनजीवन की रक्षा हेतु पंपू कल द्वारा किए जा रहे गंदा पानी सप्लाई का निवारण नहीं किया गया तो नागरिक संघर्ष मोर्चा आंदोलन के लिए बाध्य होगी।